बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। और दोस्तों अभी हम लोग घूमने के लिए आए हैं रिवर बेड, और ये जो है मेरे गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर में है। और इधर का नज़ारा बहुत अच्छा है यार, और पीछे जैसे आप मेरे देख रहेंगे तो इधर जो है नदियाँ मिल जाएगा आपको। तो और जैसे हम इधर की बात करें तो उधर जो है न्यूको सीमेंट मिल जाएगा, जो पहले टाटा था उसके बाद लाफार्ज हुआ और अब जो है न्यूको हो गया है। तो इधर ही हम लोग आज पिकनिक वगैरह मनाएंगे और देखते हैं यहाँ का नज़ारा और क्या क्या देखने के मिलेगा, तो सबको एक्सप्लोर करूँगा। और फिर इधर का भी आप नज़ारा देख सकते हैं मेरे पीछे में, ये शिवनाथ नदी है और ये जो है घूम फिर के महानदी मिल जाता है। तो कभी महानदी जहाँ पे मिला हुआ है, संगम हुआ है, वहाँ जाएंगे। और उधर शिवरी नारायण भी है तो उधर भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए नज़ारा देख लेते हैं यहीं। तो दोस्तों यहाँ के बारे में आप लोगों को बता दूँ, ये जो है बड़ौदा बाजार जिला से लगभग 1500 किलोमीटर दूर के आसपास में है। और यहाँ जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे पिकनिक मनाने आते रहते हैं। और यहाँ लोकल में एक और है सिंहासन पर, जिसका वीडियो मैंने पिछले टाइम बनाया था, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना उसको। तो वहाँ भी अच्छा खासा पिकनिक मनाने के लिए लोग जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये इमली का पेड़ है और ये बहुत पुराना पेड़ है, और ये जो है बिल्कुल नदी के किनारे में लगा हुआ है। और इसको सुरक्षा देने के लिए यहाँ मस्त कंक्रीटीकरण कर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो न्यूको सीमेंट के बारे में मैं बात कर रहा था तो वो देख सकते हैं आप, ये वाली जो है न्यूको प्लांट है। यहाँ जो है सीमेंट वगैरह बनता है और क्लिंकर वगैरह भी निकालते हैं, और उसको जो है बाहर में ले जाके उसको सीमेंट बनाया जाता है। तो इस तरह से ये जगह है। और इधर की बात करें तो सुंदरता ही कुछ अलग है यार, अगर आसपास में अगर आप रहते हैं तो कभी आइए यहाँ पे। तो चलिए आगे और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ, आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा उसको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों जब भी आप अगर आप यहाँ आते हैं पिकनिक वगैरह के लिए या तो घूमने के लिए, तो उस बीच में अगर मौसम ख़राब हो गया या तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये वाली घर देख सकते हैं। यहाँ जो है आप खाना वाना बना सकते हैं, और पानी के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, वहाँ सिक्योरिटी का बैर या तो फिर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उन लोगों से अगर पानी मांगेंगे तो मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं नदी के नीचे में और देखते हैं उधर। और जैसे कि आप कभी इधर आते हैं तो पार्टी वगैरह कहीं मनाते हैं, तो उसके लिए आपको छायादार जगह पीछे में मिल जाएगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये इस घर में आप आराम से चिकन वगैरह जो भी बनाना चाह रहे हैं, खाने की जो चीज़ें होती है वो आराम से बना सकते हैं। और जैसे कि हम नदी के नीचे आएंगे तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
जब ये पुल के ऊपर से पानी नहीं बहता ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं तो शॉर्टकट के लिए इधर से अपने बाइक वगैरह को लाते हैं और नीचे नीचे करके उस पुल के ऊपर से आगे निकल जाते हैं। तो नीचे से देखेंगे नज़ारा तो इस तरह से दिखाई देगा, और इधर जैसे आप देखेंगे तो ये देखिए, अभी नज़दीक है तो यहाँ हम लोग आते रहते हैं यार, और यार दोस्तों के साथ जो भी इन्जॉयमेंट करने रहते हैं हम लोग इधर ही करते रहते हैं। दोस्तों जब भी अगर आप इधर आते हैं ना, तो उस कंडीशन में आप यहाँ का जो न्योको सीमेंट का माइंस है उसको आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको साइड से ही जाना पड़ेगा और उसके बाद आप उधर देख पाएंगे। और क्या यार, बस आज की वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपके मन में कुछ सलाह या सुझाव है उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ में कुछ और नए जगह में, तब तक विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।